नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर। कोरोना वायरस की दस्तक और जिला चिकित्सालय की लापरवाही को लेकर जनपद ललितपुर एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। जनपद ललितपुर में एक मृतक समेत संख्या 3 पर पहुंच गई है। शहर के नेहरू नगर में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने से क्षेत्र में फिर से हड़कंप मच गया है। आपको बताते चलें कि जनपद शहर कोतवाली के मोहल्ला नेहरू नगर में एक 46 वर्षीय महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इस महिला को मिलाकर ललितपुर जिले में कोरोना के कुल 3 मरीज हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले एक मरीज असलम की मौत हो चुकी है। उक्त महिला को आइसोलेशन भेजा जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2-3 दिन पूर्व नेहरू नगर निवासी एक महिला सांस लेने में परेशानी के चलते जिला चिकित्सालय पहुंची थी, जहां चिकित्सकों ने इलाज के बाद इसका कोविड-19 का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया था और महिला को घर जाने के लिए कह दिया था। जब 2 दिन बाद उक्त महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तब प्रशासन जागा और महिला को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। इन 2 दिनों के अंतराल में उक्त महिला द्वारा कितने लोगों को संक्रमित किया गया होगा, इसका अंदाज़ा शायद स्वास्थ्य विभाग नहीं लगा पाया और लापरवाही के साथ उसे क्वारंटाइन न करते हुए घर भेज दिया था। स्वास्थ्य महकमे ने उक्त महिला को आइसोलेशन वार्ड शिफ्ट करने के बाद उसके परिवार के सदस्यों को रोड़ा क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। इस मामले में जिला चिकित्सालय ललितपुर में अपनी गैर जिम्मेदाराना ड्यूटी निभाते हुए यह बता दिया कि जिला अस्पताल ललितपुर में कितनी लापरवाही बरती जा रही है। आपको बता दें कि जो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, वह महिला 25 मई को जिला अस्पताल ललितपुर में भर्ती हुई थी और 26 मई को उसकी जांच के सैंपल झांसी भेजे गए थे। इसके बाद 27 मई को महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और 29 मई को महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। बाहरी जिला अस्पताल ललितपुर तेरी लापरवाहियों का क्या कहना, कोरोना जैसी गंभीर महामारी को लेकर भी तू गंभीर नहीं है। नेहरू नगर में निवास करने वाली महिला के कोरोना पॉजिटिव होने से जिला प्रशासन एक बार फिर सतर्क हो गया है और उसने नेहरू नगर इलाके को 400 मीटर की परिधि में सील कर दिया है तथा पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे ने भी वहां अपना डेरा डाल लिया है और घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है। देखिए, मैं इस समय बताऊं आपको, यहाँ मैं नेहरू नगर में खड़ा हूँ। मैं आपको बताऊं, ललितपुर में 3 पॉजिटिव के मरीज आ चुके हैं, जिसमें एक की मौत हो गई थी नदीपुरा में और एक और पॉजिटिव आया था जिसको MP का बताया गया था। और आज फिर एक नेहरू नगर में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जो महिला बताई जा रही है। और नेहरू नगर में जगह जगह सैनिटाइजर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 400 मीटर के एरिया में बल्लियों से इसको पूरी तरह सील कर दिया गया है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जो लापरवाही दिखाई है वो देखने वाली बात होगी। पहले दिन महिला आई, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और थोड़ा खांसी भी हो रही थी। उसकी जांच सैंपल ले लिए, उसको एक दिन भर्ती किया, दूसरे दिन उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज के बाद उसको महिला को घर जाने दिया गया। फिर 2 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, तो नेहरू नगर में प्रशासन में हड़कंप मच गया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।